झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी, जहां आरजेडी अपना पक्ष रखेगी। सोमवार को हुई बहस में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा था। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि जिस बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन को लेकर मेरे मुवक्किल को दोषी बताया जा रहा है, वह भूईहरी जमीन है। इसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ना ही मालिकाना हक उनके नाम पर है। मौके पर ईडी ने भी अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसकी इजाज़त उन्हें मिल गई। इससे पहले जस्टिस रगन मुखोपाध्याय की अदालत में कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए इसे सिविल मामला बताया है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन की अवैध खरीद बिक्री का आरोप मेरे मुवक्किल पर लगा है, उनका उस दस्तावेज में नाम भी नहीं है। ईडी के पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस पर जस्टिस रगन मुखोपाध्याय ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की थी। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट की ओर अपना रुख किया और जमानत की मांग की। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।